स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर. तो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर दैट बसमिल्लाइंसमेंट हमने अब तक पढ़ा कि इनवायरमेंट क्या होती है इनवायरमेंट में दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं एक थे लिविंग कंपोनेंट्स और एक थे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऐसी इन्वायरमेंट जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ने इंटरैक्ट किया हमने उसको कहा इको उसके बाद हमने टर्म पढ़ी की और हमने एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसको भी समझ लिया आगे हम गए थे फूड चेन की तरफ और फूड वेब की तरफ हमने पढ़ा कि एक लीनियर नेटवर्क ऑफ चेन होती है फूड चेन और अगर ढेर सारी फूड चेन कनेक्ट कर जाएं तो बनाती है फूड वेब को इसे पिछले लेक्चर में हमने फूड वेब को काफी डिटेल में पढ़ लिया है आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर इस फूड वेब में थोड़ी सी चेंज आ जाए तो ओवरऑल एनवायरनमेंट में कितना फर्क पड़ेगा तो आइए शुरू करते हैं सो आवर टॉपिक इज हाउ अ चेंज इन फूड वेब में अगर कोई चेंज आ जाए तो उसका हमारी इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है यहाँ लिखा है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐसे रिजल्ट आते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गौर से सुनिएगा

तो उसको हम कहते हैं पेस्ट अब पेस्ट होता है खतरनाक डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म तो फिर रैबिट जो कि एक मासूम सा जानवर है हमने उसको पेस्ट क्यों कहा आइए मैं आपको बताती हूँ रैबिट्स डिस्ट्रॉय ऑल सॉर्ट ऑफ प्लांट्स न्यू शूट एंड ग्रास रैबिट जो है वो ग्रास खाता है जो भी नई शूट निकलती है किसी भी प्लांट की रैबिट उसको तबाह कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है अगर वो ऐसा ना करे तो यही जो घास है वो हमारी डिफरेंट कैटल को फीड करने के फॉर एग्जाम्पल शीप को या फिर हॉर्स डोंकी काओ वगैरह जैसे एनिमल्स के ग्रेजिंग काम आ सकता है मगर rabbits जो है मगर जो ऐसा होने नहीं देता और वो इन फील्ड को और ऐसे क्रॉप्स को तबाह कर देता है रैबिट्स आर सेड टू स्प्रेड अ डिजीज कॉल्ड मिग्जोमेटोसिज रैबिट्स जो है वो एक तरह की डिजीज जो है वो स्प्रेड करते हैं जिसका नाम है ये जो है यूके में इन्होंने डिस्कवर किया था कि रैबिट में ये एक ऐसी डिजीज है जो कि वैसे तो ट्रांसफर नहीं होती ह्यूमन बींग्स में मगर क्रॉप्स के ऊपर इसका अगर कोई जरासीम लग जाए तो हो सकता है कि इसका कोई बैड इफेक्ट हो इसीलिए यूके में उन्होंने रैबिट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया था अपनी फील्ड्स में से मैं आपको बताती हूँ मिग्जो होता क्या है में उनके membranes जो है, वो स्वेल कर जाते हैं म्यूकस मेंब्रेन ऐसे मेंब्रेन होते हैं जो हमारे ऑर्गन की इनर लाइनिंग पे मौजूद होते हैं ये म्यूकस जो है ये जरूरी है ताकि फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस ना हो फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना खाते हैं और खाने ने हमारे पेट तक मतलब स्टमक तक पहुंचना है तो बीच के जो हमारा एसोफेगस है अगर वो बिल्कुल ड्राई होता तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती और हमें जलन या फिर कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाती या फिर हमारा डैमेज हो जाता इससे बचने के लिए बनता है म्यूकस हमारी बॉडी के अंदर इनर लाइनिंग पे तो रेबिट्स के अंदर जब ये डिजीज होती है तो स्वेलिंग हो जाती है इन म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर प्लस उनकी आंखों में से डिस्चार्ज होने लग जाता है किसी किस्म के म्यूकस का तो जब यूके में साइंटिस्ट ने या फार्मर्स ने देखा कि रैबिट्स में इस तरह की खतरनाक बीमारी फैल रही है तब उन्हें रैबिट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया और हम देखते हैं कि रैबिट्स को करने से की पे क्या असर हुआ सो इन यूके लार्ज नंबर ऑफ रैबिट्स वो डेलीबरेटली वाइप्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रैबिट्स अपनी फील्ड में से यूके ने बिल्कुल खत्म कर दिए मतलब वाइप ऑफ कर दिए

जैसा मैंने आपको पिछले बोर्ड पे बताया कि जो रैबिट है वो नए निकलते हुए हर प्लांट को तबाह कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है इसका मतलब जब रैबिट ही यहाँ मौजूद नहीं है तो जो भी प्लांट सीडलिंग मतलब छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी एनिमल मौजूद नहीं है और वो आराम से ग्रो कर जाएगा ग्रासेस वर एबल टू तो ग्रो एट फुल लेंथ आपको पता है कि रैबिट जो है इट फीड्स ऑन ग्रास इसीलिए हम उसको कहते हैं हर्बीवोर इसका मतलब वो हर्ब्स के ऊपर मतलब ग्रास के ऊपर फीड करता है अपना खाना लेता है ग्रासेस से या फिर छोटे प्लांट से अब जब रैबिट वहाँ मौजूद नहीं है तो ग्रासेस को खाने वाला भी कोई नहीं है इसका मतलब जो ग्रास है वो अपनी फुल तक ग्रो कर सकती है अब जब वो फुल तक ग्रो कर जाएगी तो ऑब्वियसली जो हमारी कैटल है शीप काफलो हॉर्सेस वगैरह वो ही ग्रास खा सकते हैं मतलब ग्रेजिंग हो सकती है

ये बात हो रही है यूके की मैं एक और दफा आपको बता दूं कि यूके में ये काम किया गया उन्होंने आ रहे थे उनके में जो नोटिस किए गए नंबर वन चेंज वॉज के जो सीडलिंग्स हैं मतलब छोटे प्लांट्स वो आराम से ग्रो करने लग गए नंबर टू वॉज के जो ग्रास थी वो अपनी फुल लेंथ तक ग्रो कर रही थी क्योंकि रैबिट वहां मौजूद नहीं था उनको खाने के लिए अब क्योंकि ग्रास मौजूद है तो ग्रेजिंग के लिए कैटल का नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा इसीलिए लार्ज प्लांट ईटिंग एनिमल्स जैसे कि हेयर एंड डियर इट इंक्रीज्ड इन नंबर फोर्थ पॉइंट इज मीट ईटिंग एनिमल्स लाइक फॉक्स स्टोट एंड बिजार्ड बिकेम फ्यूअर इन नंबर अब जो मीट ईटिंग एनिमल्स होंगे उनका नंबर फ्यूअर हो रहा है जबकि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ प्लांट्स जो है वो अपनी फुल लेंथ तक ग्रो कर रहे हैं हमारे पास ज्यादा प्लांट और ज्यादा ग्रास मौजूद है यही वजह है कि प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स हैं उनका नंबर ज्यादा होगा मगर जब फॉक्स की बात की जाए क्योंकि फॉक्स रैबिट को खाता है यही वजह है कि अब वहां रैबिट मौजूद नहीं उसके लिए खाना मौजूद नहीं तो वो वहां नहीं आएगा और फॉक्स स्टोर्ट और बिजार जैसे एनिमल्स जो कि रैबिट के ऊपर फीड करते थे उनका ये होगा कि उनका नंबर कम हो जाएगा उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी

और इनकी पॉपुलेशन पे भी फर्क पड़ने लग गया अब मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ नंबर ऑफ स्मॉलर एनिमल्स अब आपको हाईलाइट करके पता चल गया कि पहले हमने बात की की, सीडलिंग्स फिर ग्रास की फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स की फिर मीट ईटिंग एनिमल्स की और फिर स्मॉलर एनिमल्स की ये पांच चीजों पर सिर्फ रैबिट के वाइप ऑफ करने की वजह से असर हुआ है कुछ की पॉपुलेशन कम हो रही है कुछ की ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है हमारे जो प्लांट्स हैं उनको भी असर हो रहा है और हमारी एनिमल पॉपुलेशन को भी असर हो रहा है यह हुआ यूके में जब उन्होंने रैबिट्स को वाइप ऑफ कर दिया और इसकी वजह भी यही थी कि उनमें डिजीज जो है वो डिस्कवर कर ली गई थी अब मैं आपको एक कंक्लूजन बताती हूँ और साथ दो तीन और एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ तो यहां मैंने आपके लिए लिखा है कंक्लूजन अ सिंगल चेंज इन फूड वेब कैन कॉज सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेज इन द इकोसिस्टम। अगर एक चेंज हो जाए फूड वेब में जिस तरह मैंने पहले किया एक रैबिट को जब हमने पूरे फूड वेब में से निकाल दिया तो एक सीरीज शुरू हो गई चेंजेस की तो आपको मैंने बताया था कि फूड चेन क्या होती है फूड चेन स्टार्ट होती है किसी प्रोड्यूसर से मतलब किसी प्लांट से अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी लेटस की लेटस खाता है रैबिट और रैबिट को हंट करता है या प्रे करता है फॉक्स यह हमारी एक लीनियर फूड चेन अब इस फूड चेन में से हमने जब रैबिट को निकाला तो जो लेटस थी वो भी ग्रो करने लग जाएगी क्योंकि उसको खाने वाला कोई नहीं है जबकि जो फॉक्स है उसका खाना जो कि रैबिट था अब वहां मौजूद नहीं इसलिए फॉक्स की पॉपुलेशन भी गिर जाएगी इसीलिए इस कंक्लूजन में लिखा है दैट अ सिंगल चेंज ओनली अ सिंगल चेंज इन फूड वेब कैन कॉज अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेज इन द इकोसिस्टम आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया कि जब हम सिर्फ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इनवायरमेंट है जबकि अगर हम लिविंग कंपोनेंट्स को भी उसमें शामिल कर लें और उनकी आपस की इंटरक्शन को देखें तो वो एनवायरमेंट के बजाय इको कहलाएगा ये जो इको है इस इसपे बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं सिर्फ एक सिंगल चेंज अगर कर दिया जाए फूड वेब में या फिर फूड चेन में इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको थोड़ी और देती हूँ जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है वी वी जस्ट रेड द वर्ड अनएक्सपेक्टेड ऑन आवर फर्स्ट बोर्ड तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते अभी तक जो हमने चेंजेस पढ़े वो बहुत आपस में इंटरलिंक्ड थे मगर अब जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल नंबर वन इज इन पोलैंड ओटर्स वर किल्ड टू प्रोटेक्ट फिश स्टॉक इन फैक्ट फिश स्टॉक सेल इसका मतलब ये है कि पोलैंड जो एक जगह है वहां पर ओटर्स को मार दिया गया ओटर्स जो है वो मैमल्स हैं जो कि फिश खाते हैं या फिर इनवर्टिट एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं अब जो ओटर्स हैं जहां भी मौजूद हो वो फिश को बहुत ज्यादा प्रे करते हैं मतलब उनको हंट करते हैं ओटर्स हमेशा जो है खाने के लिए नहीं मगर सिंपली भी फिश को मार देते हैं जिसकी वजह से फिश पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है अब यहाँ लिखा है कि जब पोलैंड में उन्होंने ओटर्स को किल कर दिया सिर्फ इसीलिए कि अपने फिश स्टॉक को मतलब फिश की पॉपुलेशन को बचा सके तो ऐसा नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ इन फैक्ट द फिश स्टॉक फेन फिश की पॉपुलेशन जो है वो गिरने लग गई। ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसीलिए हुआ कि फिश जो है इसकी पॉपुलेशन ज्यादा वहां होती है जहां ओटस का वेस्ट मौजूद हो इसका मतलब ओटस जो वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से करते हैं, वहां पर फिश की पॉपुलेशन ज्यादा होती है ऊपर फिश, फिश की पॉपुलेशन फेल कर गई मतलब डिक्रीज कर गई अब आपको पता चल गया किस तरह अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकला जब पोलैंड में ओटस को किल किया गया जो कि फिश खाता था और उसके रिजल्ट में फिश की पॉपुलेशन भी गिर गई अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ डी डी टी वो स्प्रेड टू किल डीडी टी जो है वो एक केमिकल है एक केमिकल है जो कि हम आ, अपनी फील्ड के ऊपर अपने क्रॉप के ऊपर जो है स्प्रे करते हैं ताकि पेस्ट को जो हमने पढ़ा पेस्ट इंसेक्ट अ डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है उन पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसको हम कहते हैं डी डी टी अब डीडीटी जब स्प्रे किया गया हमारी फील्ड के ऊपर क्रॉप्स के ऊपर इसीलिए ताकि पेस्ट मर जाए तो क्या हुआ इट कॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड स्पाइडर माइट अब रेड स्पाइडर माइट जो है वो भी पेस्ट में आता है मगर रेड स्पाइडर माइट इंसेक्टिसाइड ऑयल्स और इस तरह की सोप से ज्यादा अफेक्टिवली किल हो जाता है एज कंपेयर टू डीडीटी और डीडीटी की वजह से इसकी पॉपुलेशन में इंक्रीज क्यों आया मैं आपको बताती हूँ इसीलिए आया क्योंकि डी डी टी ने उसके पीडेटर्स को मार दिया डी जो है वो ओवरऑल पेस्ट को किल करता है ताकि क्रॉप जो है वो बच जाए स्प्रे किया गया तो हुआ ये कि जो प्रे करते थे ऐसे प्रीडेटर्स ऐसे इंसेक्ट जो कि रेड स्पाइडर माइट को खाते थे इनके ऊपर फीड करते थे वो इस केमिकल की वजह से मर गए और जो रेड स्पाइडर माइट थी जिसके ऊपर इस केमिकल का बहुत कम असर होता है उसने सर्वाइव कर लिया अब क्योंकि उसके लिए प्रीडेटर्स भी नहीं मौजूद जिन्होंने इसको मारना था अब इनकी पॉपुलेशन पहले से डबल हो गई ये भी बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ वाज स्प्रेड ओवर क्रॉप्स स्प्रेड ओवर पेस्ट लेटर देयर वाज अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ फिश ईटिंग बर्ड्स अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीडीटी तो एक ऐसा केमिकल है जो पेस्ट को मारने के लिए हम क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं तो इसकी वजह से फिश ईटिंग बर्ड्स मतलब फिश ईटिंग बर्ड्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइन किस तरह आ सकता है ये जो लिंक है बहुत इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताती हूँ किस तरह वो इस तरह की ये जो केमिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ये फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं हमारे क्रॉप्स के ऊपर जब बारिश होती है तो ये वाइप ऑफ हो जाते हैं या फिर ये ऊपर से वॉश होके रिवर्स में चले जाते हैं जहां हमारी इक्वेटिक लाइफ जो है वो मौजूद होती है वहां पर जब ये केमिकल्स जाते हैं तो हमारी जो फिशेज हैं वो इसको इनहेल कर लेती हैं या इनको खा लेती हैं इनजेस्ट कर लेती हैं जिसकी वजह से उनको एबनॉर्मिलिटीज हो जाती हैं स्पेशली स्विमिंग स्विमिंग अब जब फिश को हैिटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो एफिशिएंटली वॉटर के अंदर पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकेगी और आराम से किसी बड़ी मछली का शिकार हो जाएगी यही वजह थी कि जो फिश की पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज कर गई कुछ तो केमिकल की वजह से डायरेक्टली किल हो गई और बाकी जिनके अंदर एबनॉर्मिलिटीज हुई थी वो किसी बड़ी मछली का शिकार हो गई जिसकी वजह से ओवरऑल फिश पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया और जो बर्ड्स वहां आते थे फिश खाने उनमें भी डिक्लाइन आ गया इस तरह आपने देखा कि किस तरह एक छोटा सा चेंज फूड वेब में हमारी ओवरऑल इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है एक सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेज स्टार्ट हो जाती हैं और एक से दूसरा ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है आज हमने पढ़ा कि किस तरह अ चेंज इन फूड वेब कैन कॉल सीरीज ऑफ डिस्टरबेंसेस इन आवर इकोसिस्टम और मुझे उम्मीद है की आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई आज के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखेगा खुदा हाफिज